वहीं मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। 157 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना ली है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। स्वागत है सर आपका और बहुत शुभकामनाएं आपको। स्कोरबोर्ड कह रहा है 3-1 इन राज्यों में आपके लिए। आपको भी बहुत बधाई। क्या सबसे बड़ी वजह है आप मान रहे हैं इतनी क्लीन मेजोरिटी मध्य प्रदेश में लेकर आ रहे हैं? मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश का जो अभियान था उसको जनता ने आज इतिहास बना करके ताकत दी है। मैं ऐसा मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प जनता ने लिया, ये सेमीफाइनल था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, आज जनता ने माननीय प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया है। प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं और मध्य प्रदेश सरकार की गरीब कल्याण की योजना जो हमारी ताकत थी, और संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ पर माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति में 51% वोट से लाने का जो संकल्प था, आज कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर 51% वोट से लाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यही जीत का सबसे बड़ा आधार है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता ने आशीर्वाद दिया। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे क्या चाहेंगे आप बीडी शर्मा जी, मुख्यमंत्री कंटिन्यू रहे या नया मुख्यमंत्री होना चाहिए? फीडबैक क्या था पूरे प्रदेश में घूमने के बाद आपका? मध्य प्रदेश के अंदर इस बार हम चुनाव सामूहिक नेतृत्व पर लड़े जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और एक टीम स्पिरिट के साथ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में हमें कहा था प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ना है और हर बूथ को जीतने का संकल्प, जो मैंने कहा कि माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति मध्य प्रदेश के अंदर थी कि उन्होंने भाजपा के संगठन को, मुझे ध्यान में कि ग्वालियर की बैठक में कहा था कि इस बार मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश की संगठन की ताकत के बल पर हम मध्य प्रदेश में विजय का इतिहास बनाएंगे, जो आज पूर्ण होता दिखाई देता है। उन्होंने 150 से ऊपर सीटों की बात कही थी, 51% वोट शेयर की बात कही थी, दोनों लक्ष्य माननीय अमित शाह जी के जो संकल्प थे आज भाजपा के मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने पूरे किए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी का बहुत आभार, हमारे अध्यक्ष जी ने हमें आशीर्वाद दिया, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद के साथ मैं मध्य प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्हें बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपने एक बार भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, मतलब ये समझा जाए ना कि मुख्यमंत्री अब कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि शिवराज सिंह चौहान ही। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ी है, उसमें सभी लोगों ने अथक मेहनत की, माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी टीम है सबने मिलकर के इस चुनाव को टीम स्पिरिट के साथ लड़ा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा इसके लिए न मैं अधिकृत हूँ, माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, वो कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी देते हैं हम सब लोग उस काम में जुट जाते हैं। हमारा लक्ष्य था 51% वोट, हर बूथ पर चुनाव जीतना, इस काम में हम लगे थे और उनके आशीर्वाद से आज हम इस दिशा में आगे बढ़े और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर अग्रसर है। लेकिन आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी राय तो होगी ना मुख्यमंत्री के लिए इस मैंडेट के बाद, क्योंकि आप नंबर्स का तो कोई उस पर बात करने का मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, क्या राय है आपकी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर? मध्य प्रदेश के अंदर हम चुनाव सामूहिक नेतृत्व पर लड़े, मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो तय करता है और जिस काम को तय करता है उस काम में हम सब जुड़ जाते हैं। हम सब कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कार्यकर्ता होने के नाते से जो काम मिलता है उस काम को बखूबी करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, ये जो आपको इतनी प्रचंड जीत मिली है, क्या ये महिला माताओं बहनों के वोट का आशीर्वाद है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था कि हमारी ताकत माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जनता का विश्वास और गरीब कल्याण की योजना है। मध्य प्रदेश में 3,62,00,000 प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड हैं जो 5,00,000 रुपए के फ्री का इलाज करने का अधिकार देते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 64,00,000 प्रधानमंत्री आवास हैं जो गरीबों को छत दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनकी मालिकान बहन है। मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कोरोना काल से हर गरीब को ताकत दे रही है, तो लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1,250 रुपए बहनों को देकर उन्हें सम्मान तो दिया और हर प्रकार से उन्हें ताकत दी, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की किसान सम्मान निधि, ये भाजपा की ताकत थी। और मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश किसी का गढ़ है तो प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है
और इसलिए छिंदवाड़ा जैसी जगह पर भी कमलनाथ ट्रेल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यह हमारी ताकत है, गरीब कल्याण की योजना है, केंद्र राज्य सरकार दोनों की, और भारतीय जनता पार्टी का विकास और कार्यकर्ताओं की ताकत। विकास और गरीब कल्याण का झंडा लेकर के भाजपा का कार्यकर्ता बूथ बूथ पर गया और कांग्रेस की झूठ बोलने की गारंटी, कांग्रेस की तुष्टीकरण की गारंटी इस बार नाकाम हो गई। हर बूथ पर कार्यकर्ता सजग प्रहरी के नाते से खड़ा था। और एक बात मैं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने ईमानदारी से कहा हमारे जीवन में बदलाव आया है तो गरीब कल्याण की योजनाओं से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आया है, तो उन्होंने भी भाजपा को समर्थन दिया है। और इसलिए राहुल गांधी जब भोपाल आए थे तो अल्पसंख्यक समुदाय के भाइयों के बीच में ही घूम रहे थे, उनका वोट बैंक खिसक गया वहां पर। तो इसलिए मध्य प्रदेश ने इस बार सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद और ताकत मध्य प्रदेश के चुनाव में दी।